कोलकाता नगर निगम चुनाव होने में अब महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी से चुनावी और राजनीतिक हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। राज्य के दिवंगत मंत्री सुब्रत मुखर्जी की बहन और वार्ड नंबर 68 से निर्दलीय प्रत्याशी तनीमा चैटर्जी ने आरोप लगाया है कि कल रात उनके बालीगंज प्लेस घर के पास तृणमूल समर्थित कुछ बदमाशों ने बमबाजी की है। उनका आरोप है कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और 2 बम फेंके गए हैं और ये सब टीएमसी प्रत्याशी सुदेशना मुखर्जी के इशारों पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे डराने धमकाने के लिए ऐसा कराया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं टीएमसी के उम्मीदवार सुदेशना मुखर्जी ने कहा है कि तनीमा चैटर्जी अपनी हार से बौखला गई हैं और खुद अपने घर के पास बॉम्ब चलवा कर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी हार सुनिश्चित है। वो चाहे जो भी हथकंडा अपना ले। कोलकाता नगर निगम चुनाव होने में अब महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी से चुनावी और राजनीतिक हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। राज्य के दिवंगत मंत्री सुब्रत मुखर्जी की बहन और वार्ड नंबर 68 से निर्दलीय प्रत्याशी तनीमा चैटर्जी ने आरोप लगाया है कि कल रात उनके बालीगंज प्लेस घर के पास तृणमूल समर्थित कुछ बदमाशों ने बमबाजी की है। उनका आरोप है कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और 2 बम फेंके गए हैं और ये सब टीएमसी प्रत्याशी सुदेशना मुखर्जी के इशारों पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे डराने धमकाने के लिए ऐसा कराया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं टीएमसी के उम्मीदवार सुदेशना मुखर्जी ने कहा है कि तनीमा चैटर्जी अपनी हार से बौखला गई हैं और खुद अपने घर के पास बॉम्ब चलवा कर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी हार सुनिश्चित है। वो चाहे जो भी हथकंडा अपना ले। Thank you.